दोस्तों नमस्कार। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से योनो SBI में एक बहुत ही बड़ा अपडेट किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि योनो SBI को अगर हम यूज करते हैं अपने डिवाइस में, तो जिस डिवाइस में हम यूज करना चाहते हैं उस डिवाइस में जो मेरे खाते में मोबाइल नंबर लिंक है, अगर वो नहीं भी रहता है जिस डिवाइस में हम यूज करना चाहते हैं, तब पर भी हम बहुत ही आसानी तरीके से नेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं योनो SBI के माध्यम से, यानी कि हम अपने खाते को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो नया अपडेट आया है योनो SBI में, इस अपडेट के तहत जब आप जो है जिस डिवाइस में आप इसे यूज करना चाहते हैं योनो SBI एप्लीकेशन को, उस डिवाइस में आपके जो खाते में मोबाइल नंबर लिंक है, यानी कि जो खाते में मोबाइल नंबर रजिस्टर है, उसी डिवाइस में ये उपलब्ध होना चाहिए मोबाइल नंबर, यानी कि उसी डिवाइस में आपको मोबाइल नंबर ये लगा हुआ होना चाहिए, तब आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया गया है, तो चलिए हम इसको ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डिवाइस में कोई भी सिम नहीं है, कोई भी फ़ोन नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए योनो SBI को चलिए हम ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद और इसमें भी ये अपडेट आ गया है कि सामने में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं लाइव। यहाँ पे देख सकते हैं योनो रजिस्ट्रेशन, यानी कि सिलेक्ट सिम, योनो विल बी रजिस्टर विथ द मोबाइल नंबर सिलेक्टेड, यानी कि जो योनो में रजिस्ट्रेशन है, जो आपके खाते से लिंक मोबाइल नंबर है, वो जो मोबाइल में आप कर रहे हैं उस मोबाइल में वो नंबर उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि लगा हुआ होना चाहिए, तब आप यूज कर सकते हैं। एंड में हम बात करेंगे NSMS विल बी सेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड मोबाइल नंबर टू इनेबल वेरिफिकेशन। तो जब आप यहाँ पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है आपके खाते से जो लिंक है, वो आप सिम जो है सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद SMS वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब है, अगर आप योनो SBI को यूज करना चाहते हैं जिस डिवाइस में, और उस डिवाइस में आपके खाते से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही डिवाइस में होना चाहिए, तब आप योनो SBI एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, और अनलिमिटेड पैक रिचार्ज होना चाहिए, यानी कि आउटगोइंग SMS की सुविधा होनी चाहिए, तब आप यूज कर सकते हैं। तो ये योनो का अपडेट है। तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर कोई भी सवाल या सुझाव है इस वीडियो के रिकॉर्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी को नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।